अस्सलाम वालेकुम गाइस, अब्दुल्ला कुरैशी जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस हमें दे सके हैं। जैसे कि इन्होंने अपनी रिसेंट पोस्ट में ये शेयर किया है कि ये म्यूज़िक इंडस्ट्री को कट ऑफ कर चुके हैं। इन्होंने अपनी रीज़न बताई है कि ये खालसतन उन्होंने सिर्फ दीन के लिए किया है। जैसे कि वो काफ़ी देर वो पॉज किया था उन्होंने अपने वर्क से, तो उस दौरान उन्होंने बताया है कि उन्होंने खुद को पहचाना है कि वो क्या हैं, उनके दुनिया में आने का मकसद क्या है। वो अपनी बाकी की ज़िंदगी इस्लाम की राह पे गुजारना चाहते हैं, ये जो कि इनका बहुत ही अच्छा डिसीजन है। 2017 में इन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। इस वीडियो से हमें अंदाज़ा होता है कि इस्लाम के बहुत ज़्यादा नज़दीक रह चुके हैं। और जैसे कि हम जानते हैं इनकी एक बेटी है, कुछ देर पहले इन्होंने अपनी एक पोस्ट में लोगों से अपोलोजाइज किया था कि वो शर्मिंदा हैं कि वो पहले ड्रिंक करते थे और बहुत से गलत कामों में मुलाफिस थे, लेकिन वो अब इन सब कामों से कतअ तलकी कर चुके हैं। और उन्होंने अपनी पोस्ट में शेयर किया है कि अब वो कोई कॉन्सर्ट नहीं करेंगे और कोई सॉन्ग नहीं करेंगे और वो सिर्फ दीन के रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि इनका बहुत ही अच्छा फैसला है, हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। नताशा बेग जिन्होंने अपनी पोस्ट में इनकी मुखालफत की करते हुए ये कहा है कि ये अगर कोई इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये हमें गुनाहगार साबित कर रहे हैं, जो कि इनकी बात बिल्कुल ही गलत है। इस्लाम में म्यूज़िक नहीं जायज़। और बहुत सारी सपोर्ट अब्दुल्ला कुरैशी के लिए। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।